हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब आगे बात करते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है और इसके हमें मोड रिमूव करने हैं। तो इसके मोड रिमूव करने के लिए हमारे पास देखो तीन चीज़ें दे रखी है ना ये, तो इसका मतलब हमारे पास चार केसेस होंगे। चार केस कैसे काम है ना, देखो बताता हूँ। देखो इधर, जैसे मान लो हमारे पास इसके रूट क्या क्या आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 1, एक आ रहा है जो है 2, और एक आ रहा है 7। राइट, 1 2 और ये 7, ठीक है। तीन रूट आ रहे हैं हमारे पास इसके, तो इसलिए इसकी वैल्यूज रखो। देखो, एक पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 2 और तीसरा आएगा 7। तो इसका मतलब हमारे पास देखो जो वैल्यूज आएगी वो किस तरीके से आएगी। एक तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई यहाँ तक की, फिर 1 से लेकर 2 तक की हो गई, फिर 2 से लेकर 7 तक की हो गई, फिर 7 से लेकर इनफाइनाइट तक हो गई। तो इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमारे पास देखो किस तरीके से केस डिफाइन होंगे कुछ, ठीक है। देखो किस तरीके से होंगे ये केस डिफाइन। देखो इस पर अभी बात करते हैं। फोर केसेस डिफाइन होंगे हमारे पास, है ना। तो देखो फोर के फोर केस पर बात करते हैं। लो देखो, ठीक है। देखो फर्स्ट जो हमारे पास केस होगा वो हमारे पास होगा, फर्स्ट केस होगा हमारे पास इफ एक्स इज लेस देन 1, एक जो है वो एक्स जो है वो 1 से क्या हो, छोटा हो। राइट, ये इस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड केस जो है हमारे पास क्या होगा, वन से तो छोटा, वन से तो बड़ा हो एक्स। राइट, वन से तो बड़ा हो, और टू से क्या हो, छोटा हो। टू से ये छोटा हो। केस थ्री क्या होगा, टू से तो छोटा या बड़ा हो, मतलब टू से तो बड़ा या उसके बराबर हो एक्स, और उसके बाद में सेवन से छोटा हो। और केस फोर जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स जो है वो सेवन के से बड़ा या उसके बराबर हो। राइट, तो देखो अब इसमें क्या करना है। देखो फंक्शन डिफाइन है इक्वल टू। देखो एक बात हमेशा याद रखो कि वैल्यू जब भी छोटी आएगी ना मोड की, तो वो क्वांटिटी नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अभी बताता हूँ देखो कैसे। देखो ध्यान से सुनना है इसको, देखो और देखना। देखो जैसे एक से छोटा कोई भी नंबर है, अब यहाँ पर एक्स माइनस वन में एक से छोटा कोई भी नंबर अगर आप रखोगे, तो ये क्वांटिटी है ना, ये वाली जो क्वांटिटी, ये मोड ऑफ एक्स माइनस वन, ये जो है वो आपकी नेगेटिव आएगी। राइट, नेगेटिव आते ही आपको जाहिर सी बात है ये नेगेटिव, अगर नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस वन होगा अगर ये, तो इसे हम 1 माइनस एक्स लिख देंगे। तो इसे मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1 से छोटी कोई भी क्वांटिटी रखो, कोई भी क्वांटिटी आप अगर यहाँ पर 1 से छोटी रखोगे, तो ये क्वांटिटी पूरी पूरी पॉजिटिव ही मिलेगी आपको, टू मोड ऑफ 2 माइनस एक्स। तो ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 माइनस एक्स प्लस। अब 1 से छोटी कोई क्वांटिटी यहाँ रखोगे तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मोड ऑफ एक्स माइनस सेवन हो गया 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स। तो इसे सॉल्व कर लो पहले। देखो 7 और 2 9 और 1 10 -3x, ठीक है। तो इस बात को एक बार साइड में रखो। अब ये देखो जरा, इसमें क्या है कि इनइक्वालिटी ए की तरफ लगानी है आपको, ठीक है। अब देखो एक ऐसा नंबर जो कि 1 से तो बड़ा हो, 1 से तो बड़ा है उसके बराबर, और 2 से छोटा हो। तो देखो 1 से बड़ा है उसके बराबर कोई भी नंबर रखोगे, बड़ा रखोगे कोई भी नंबर, तो ये वाला जो नंबर है ये मिलेगा पॉजिटिव, तो यानी x माइनस 1 एज इट इज। प्लस
ये वाला भी मिलेगा, वन से बड़ा कोई नंबर रखोगे, और ये कह रहा है टू से छोटा होना चाहिए, लेकिन टू से छोटा जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर रखोगे तो ये नंबर जो है वो आपके को एक टू से छोटा कोई भी नंबर रखोगे तो ये नंबर आपको एज इट इज पॉजिटिव मिल जाएगा। तो प्लस आ गया 2 - x प्लस। अब ये जो नंबर है ये आप अगर आप टू से छोटा रखोगे तो जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी है ना ये वाली, ये जो है x - 7 ये आपको नेगेटिव मिलेगी, तो ये आ जाएगा 7 - x, 7 - x। अब देखो तो ये नेगेटिव ऑफ एक्स और पॉजिटिव ऑफ एक्स ये तो कट गया, तो नेगेटिव एक्स 7 और 2 9, 9 में से बन गया तो क्या आ गया 8, तो +8। ठीक है, आगे देखो एक नंबर जो 2 से बड़ा है बट 7 से छोटा है, तो अच्छा ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स ही है ना, ये यहाँ तो लिख दिया ना मैंने, कोई बात नहीं। देखो इक्वल टू, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है इसमें गौर करो देखो, 2 से तो बड़ा है उसके बराबर, और एक्स और 7 से छोटा, 2 से बड़ा कोई नंबर रखो यहाँ पर जाहिर सी बात है पॉजिटिव मिलेगा, तो ये एज इट इज जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपको ये वाली तो एज इट इज मिल जाएगी x - 1। प्लस ये वाली जो है 2 से बड़ा कोई नंबर रखोगे तो ये आपको नेगेटिव मिलेगी, इसलिए 2 - x का हो जाएगा x - 2, x - 2 एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस ये x - 7 है ना, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - x, ठीक है वही 7 से छोटा नंबर रखेंगे तो, ठीक है। तो देखो नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स कट गया, तो यहाँ बचा एक्स, और 7 में से 2 गए तो 5, 5 में से 1 गए तो 4, x + 4, ठीक है। आगे देखो एक ऐसा नंबर जो कि 7 के बराबर या उससे बड़ा है, तो 7 के बराबर या उससे बड़ा नंबर रख जो है उसके लिए, तो ये एज इट इज x - 1 आ जाएगा, प्लस 7 से बड़ा कोई नंबर यहाँ रखोगे 2 - x में तो फिर से नेगेटिव, तो हो जाएगा x - 2, और प्लस ये एज इट इज मिल जाएगा x - 7। तो x x x ये हो गया 3x, और -7 - 1 - 2 तो ये हो जाएगा -10, ठीक है क्लियर। अच्छा तो इस तरीके से ये इसके आंसर्स आएंगे, ओके ये इस तरीके से इसके अलग अलग केसेस में इसके आंसर आएंगे, ठीक है ना, यही इनके आंसर कहलाएंगे। क्योंकि हमारे हमें करना क्या था, हमें बेसिकली मोड रिमूव करना था, क्या करना था मोड रिमूव करना था, और मोड रिमूव करने का ये ही एक तरीका है, और इसी तरीके से ये किया जाएगा, ठीक है क्लियर। तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिली, एक चीज और मतलब पॉइंट, कि मोड वाली वाला कोई भी नंबर है ना, जैसे मान लो वो कोई भी लिखा है x+1 लिखा है मान लो, तो उसके हमेशा दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है x+1 और एक होता है -x+1, ठीक है। और एक और बात कि जब भी कभी यहाँ पर जैसे मान लो 2 मिनट के लिए ये यहाँ पर जो है ये इसकी जगह अगर x-1 हो, तो ये याद रखना जब भी कभी आप कोई वैल्यू नंबर जो कि 1 से बड़ा है अगर यहाँ रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और अगर 1 से जैसे ही छोटा कोई नंबर रखोगे तो यहाँ पर आपको वो वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, ये बात विशेष करके याद रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद करने वाली बात, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो चाहे उसके नंबर के स्क्वायर का मोड लो, ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना वो नंबर या तो पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो होगा, तो ही मिल ऐसा होगा, ठीक है। और एक बात वो क्या, वो ये कि किसी भी कोई नंबर है एक्स उसका स्क्वायर करके अगर आप मोड लोगे, इट्स इक्वल टू उसका स्क्वायर करने के, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।